कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से भिड़ंत ऐसी थी कि तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। इतना ही नहीं, एक कोच तो मालगाड़ी के ऊपर जा चढ़ा। इस हादसे में अब तक कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है। मौतों की आशंका भी जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से भिड़ंत हुई। यह हादसा इतना भीषण था कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक कोच मालगाड़ी पर चढ़ते हुए आसमान की तरफ उठ गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस हादसे पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बचाव दल मौके पर भेजा जा रहा है। कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाड़ी वाली स्टेशन के बीच में स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से धक्का मार दिया। कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब तीन बोगी पटरी से नीचे उतर गई। धक्का इतना तेज था कि एक बोगी दूसरी बोगी पर जा चढ़ी। घटना की सूचना पर कटिहार रेल मंडल में हड़कंप मच गया। कटिहार और एनजेपी से एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन लेकर रेलवे के अधिकारी घटना स्थल की ओर कूच कर गए। बताया जा रहा है कि घटना में करीब 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मंडल और एनजेपी के कई वरिष्ठ रेल पदाधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। सीनियर डीसीएम धीरज चंद्र कलिता ने बताया कि एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वाहन रवाना हो चुके हैं। बात करें पिछले हादसे की, जो 2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे हुआ था, जिसमें तीन ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आपको याद होगा, यह हादसा ओडिशा के बालासोर के पास बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ था। इस हादसे में 12,841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, 12,864 सरम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी भी हादसे की चपेट में आ गई थी। हादसे में 260 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और 1,000 से ज्यादा घायल हुए थे। इस कारण 48 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था और 39 ट्रेनों का रास्ता बदला गया था। यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ था, जिसे रेलवे की तकनीकी भाषा में हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे। इनमें से कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए, वहां से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस से टकराए और ये हादसा भीषण हो गया। ये हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन के ब्रॉडगेज नेटवर्क पर हुआ था।